नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका चैनल नॉलेज कॉर्नर देसी ताऊ आपको हर रोज़ फ्यूचर मेकर से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ प्रोवाइड करवा रहा है, वो जितनी भी कंप्लीट न्यूज़ है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज सबसे बड़ी खुशखबरी है जिसकी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, जिस न्यूज़ को आप देखते ही इतना खुश हो जाएगा कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो को देखने से पहले जय फ्यूचर मेकर और जय राधे श्याम वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसके बारे में, क्या बताया गया है न्यूज़ में, आज उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है, फ्यूचर मेकर सीएमडी को तेलंगाना में दर्ज सभी मामलों में जमानत। अदालत ने माना पुलिस ने किया अधिकारों का दुरुपयोग। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि पुलिस ने वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके सीएमडी श्री राधेश्याम जी को इतने दिन तक जेल में डाला रखा और इतने दिन उनकी जमानत नहीं हुई। दोस्तों, अब पूरे मामले को अदालत ने माना है कि पुलिस ने किया था अधिकारों का दुरुपयोग। अब बात करते हैं कंप्लीट न्यूज़ की, न्यूज़ में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम को साइबराबाद की अदालत ने दोनों मामलों में जमानत दे दी है, जबकि पुलिस द्वारा उठाए गए तीसरे मामले को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सिरसा पुलिस एसआईटी द्वारा फ्यूचर मेकर कंपनी को चिटफंड की श्रेणी में न माने जाने की बात भी फ्यूचर मेकर के लिए राहत लेकर आई है। साइबराबाद की अदालत ने राधेश्याम को जमानत देने पर टिप्पणी की कि वह पुलिस ने कंपनी के सीएमडी पर केस दर्ज करने में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तो दोस्तों, ये सबसे वो अहम खबर है कि पुलिस ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके और कंपनी के सीएमडी के ऊपर केस दर्ज किया था। ये दोस्तों, अब धीरे धीरे जो है जितनी भी बातें हैं वो बाहर आएगी कि किसने क्या गलत किया, वो जल्द से जल्द बाहर आई और कंपनी जल्द स्टार्ट होने वाली है, जिसका हमारे को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। अब बात करते हैं खबर के आगे, जो नेक्स्ट में क्या दिया गया है। दोस्तों, उसके आगे दिया गया, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना में कुकरपुली थाना में कंपनी के सीएमडी पर एफआईआर नंबर 710 दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच की, वहीं कंपनी की तरफ से राधेश्याम जी की जमानत याचिका लगाई गई। जैसे ही पुलिस को लगा कि राधेश्याम को जमानत मिलने वाली है, तो पुलिस ने तेलंगाना में चंदन नगर थाना में एफआईआर नंबर 514 दर्ज करा दी और उसमें जांच की बात कहते हुए जमानत का विरोध किया और राधेश्याम की जमानत टलवा दी। दूसरे मामले में भी जब पुलिस को लगा कि राधेश्याम को जमानत मिलने वाली है, तो तेलंगाना की पुलिस ने एक अन्य एफआईआर नंबर 768 दर्ज करा दी और उसमें जांच की बात कहते हुए दूसरे मामले में भी राधेश्याम को बेल नहीं मिली। तो दोस्तों, ये देखो, इतनी बड़ी साजिश चलती है, एक के केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कि राधेश्याम जी को जमानत ना मिले और वो अंदर ही रहे और इसने इसके पीछे सारी कंपनी को ख़त्म करने का जो प्लान था वो अब सामने धीरे धीरे आ रहा है कि क्या प्लान था। पहले 710 लगी, फिर उसके बाद दूसरी लगी, फिर तीसरी लगा दी। जब भी जमानत की बात आई तो वो पुलिस ने उनका केस का हवाला देते हुए कि केस इसके खिलाफ बढ़ रहे हैं और इसे जमानत नहीं दी जाए। दोस्तों, ये है मामला। उसके बाद बताया गया दोस्तों, पुलिस द्वारा एक ही न्यायिक क्षेत्र में दर्ज किए जा रहे अलग अलग मामलों को राधेश्याम के वकील ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में चुनौती दी और यह कहते हुए विरोध किया कि पुलिस केवल प्रताड़ना के उद्देश्य से राधेश्याम पर केस दर्ज कर रही है। उच्च न्यायालय ने राधेश्याम के वकीलों की दलील सुनने के बाद पुलिस को नोटिस जारी किया और उसके जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए पुलिस द्वारा दर्ज तीसरे मामले को भी खारिज करते हुए पुलिस को झटका दे दिया। तो दोस्तों, तीसरा जो मामला दर्ज हुआ था उसको उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए पुलिस को झटका दिया और जो पहले दो मामले थे उनकी पहले बेल हो चुकी थी, तीसरे मामले में सुनवाई चल रही थी और तीसरे मामले में सुनवाई करते करते उच्च न्यायालय को पता लग गया कि उसके पीछे मंशा क्या है और उसने उस मामले को खारिज भी कर दिया। और उधर दोस्तों, फ्यूचर मेकर कंपनी की जाँच कर रही सिरसा पुलिस की एसआईटी द्वारा कंपनी को चिटफंड की श्रेणी में न आंका जाना भी कंपनी व निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। अब सिरसा पुलिस की एसआईटी 8 दिन के रिमांड के बाद
राधे श्याम को वीरवार को फतेहाबाद की अदालत में पेश करेगी। अदालत क्या फैसला लेती है, पुलिस इसके तहत कार्रवाई करेगी। वही इसी सप्ताह तेलंगाना के साइबराबाद थाना में दर्ज मुख्य FIR नंबर 710 में मिली सशर्त जमानत पर अदालत के निर्देशों के पालन करते हुए राधे श्याम को पुलिस जांच में शामिल होने के लिए साइबराबाद जाना होगा। तो दोस्तों, जो साइबराबाद में सबसे पहले जो FIR दर्ज हुई थी 710, जिसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें जमानत मिल गई थी, उसके लिए फिर से वापस वहां उन्हें जाना होगा। सशर्त उन्हें जमानत दी गई थी, उन्हें वापस जाँच के लिए जाना होगा, साइबराबाद उनके जरूर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है पूरा मामला जो फ्यूचर मेकर को बर्बाद करने के लिए रचा जा रहा था, उसका लगभग धीरे धीरे पर्दापण हो चुका है कि उसके पीछे क्या मंशा थी, किन लोगों का हाथ है, वो भी अभी थोड़े दिन में पता लग जाएगा कि कंपनी के पीछे किसका हाथ था। और उसके बाद कंपनी फिर से शुरू होगी। हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से पहले ही बताया था कि अगले महीने में लगभग लगभग कंपनी शुरू हो जाएगी, कंपनी को क्लीन चिट मिल जाएगा। और दोस्तों, नवरात्रों में जो खुशी की बात है, नवरात्रों के दौरान इतनी बड़ी खुशी मिली है वो माता रानी की कृपा से मिल रही है कि जल्द ही कंपनी में 3 केस दर्ज हुए थे और वो 3 केस साजिश के थ्रू हुए थे। पहला केस लगा, उसके बाद जब भी जमानत का टाइम आया तो दूसरा केस लग गया, और जब भी तीसरी बार जमानत का टाइम आया तो तीसरा केस भी लगा दिया गया था। उसके पीछे मंशा ये थी कि CMD श्री राधे श्याम जी को जमानत ना हो और कंपनी को पीछे से धीरे धीरे से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसी मंशा को जल्द ही ख़त्म होने वाली है और जल्द ही कंपनी फिर से उतनी ही रफ्तार से शुरू होगी। दोस्तों, आज वीरवार का दिन है, आज कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और जब भी वो फाइनल हो जाएगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर अपडेट कराऊंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में जय फ्यूचर मेकर राधेश्याम लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।